क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ जब एक बैट्समैन बिना कोई बॉल खेले बिना आउट हुए फील्ड से वापस डगआउट चला गया और उस बैटर को भेजने वाला और कोई टीम नहीं बल्कि वो टीम है बांग्लादेश। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का मैच हो रहा था। एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग करने के लिए आते हैं। वो होता है ना, हेलमेट वगैरह सेट करते हैं फिर बैटिंग के लिए रेडी होते हैं। वो हेलमेट सेट कर ही रहे होते हैं कि उनका स्ट्रिप टूट जाता है, फिर वो दोबारा हेलमेट मंगाते हैं। तब तक बांग्लादेश के एक प्लेयर मैदान में आकर के शाकिबुल हसन को बताते हैं कि देखिए टाइम आउट हो गया, ज्यादा देर हो गया उनको मैदान में आए हुए और अभी तक बैटिंग नहीं किए। शाकिबुल हसन अपील करते हैं जबकि मैथ्यूज गिर-गिराते हैं कि देखो भाई मैं तो कोई टाइम पास नहीं कर रहा था यहाँ पे, मेरा स्टेप टूट गया तो मैं कैसे खेलता हेलमेट के बगैर। लेकिन उनकी बातों का असर किसी पे नहीं होता, उनको वापस डगआउट भेज दिया जाता है टाइम आउट बोलकर। शाकिब का गेम ऑफ स्प्रिट कहाँ गया? याद करो कैसे महेंद्र सिंह धोनी रोहित शर्मा वापस लिए थे अपना अपील और बैटर को वापस बुलाए थे कि खेलो भाई। रूल कहता है कि जब बैट्समैन ग्राउंड पे जाते हैं तो विद इन 2 मिनट उनको बैटिंग के लिए रेडी हो जाना होता है। बट इस मैच का बताऊं, बाद में पता चला कि मैथ्यूज के पास 10 सेकंड अभी भी बाकी था, फिर भी उनको टाइम आउट के वजह से वापस भेज दिया गया। जब रिजवान अपना थकान मिटाने के लिए बार बार क्रैम्प का बहाना बना रहा था, जो उसने इंटरव्यू में भी एक्सेप्ट किया, समटाइम्स क्रैम्प समटाइम्स एक्टिंग, वैसा तो मैथ्यूज कुछ नहीं किया ना इस मैच में। फिर ये बांग्लादेश का और शाकिबुल हसन का कहां गया गेम ऑफ स्प्रिट? मैं सच बता रहा हूं, ये बांग्लादेश जो हर वक्त हर टीम से झगड़ा करते रहते हैं, छोटी छोटी हार को इतना ये सेलिब्रेट करते हैं, कभी इंडिया से लड़ पड़ते हैं कभी किसी से लड़ पड़ते हैं, ये कभी नहीं सुधरने वाला है भाई।